फिल्म गोल्ड के टीजर से जहां खिलाड़ी कुमार ने अपनी ब्लॉकबस्टर शुरुआत कर दी है, तो वहीं टीजर के बाद टेली एक्ट्रेस मौनी रॉय भी चर्चा का विषय बन गई हैं। जी हां, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मौनी की डिमांड फिल्म के टीजर के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि टीजर में तो मौनी की झलक नाम मात्र की है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की नज़र में मौनी रॉय आने लगी हैं। वैसे आपको बता दें कि गोल के बाद मौनी के रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र में होने की भी खबर है। साथ ही उनका नाम सलमान की दबंग 3 के लिए भी लगभग तय माना जा रहा है। और इसके साथ ही अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि बी टाउन के बहुत से बड़े प्रोड्यूसर्स अब मौनी को अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब हैं। वेल, ये तो बात रही मौनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, लेकिन अगर मौनी के टीवी करियर पर नजर डालें तो एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से उन्होंने अपना टीवी डेब्यू किया था, लेकिन असल में माइथोलॉजिकल शो देवों के देव महादेव ने उनकी जिंदगी बदली और फिर मौनी की जिंदगी में एंट्री हुई नागिन की, जिसके लॉन्च होते ही मौनी रॉय टीवी की सुपरस्टार बन गई। और अब मौनी के बॉलीवुड डेब्यू पर ऐसा कहा जा रहा है कि टीवी की किसी भी दूसरी एक्ट्रेस को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जो मौनी रॉय को मिली है। अब देखना होगा कि बॉलीवुड में क्या मुकाम पाती हैं मौनी रॉय। वल, हमें तो लगता है कि जिस तरह साल 2017 मौनी के नाम रहा, उसी तरह 2018 में भी मौनी अपने काम से बॉलीवुड में तहलका जरूर मचाएंगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।